Hello. Today we study about the law of demand, which is related to the managerial economics. I, Dr. Nandini Sharma, Assistant Professor, GTC College, Jaipur. Managerial economics we all know Managerial economics is also known as the business economics. Today we use absence of the one word we can use the another one. Managerial economics is used in the modern era. Now, what is the economics? The word economics derived from the Greek word economicos, which is divided into two parts: ecos, which is home, and nomos means management. For example, घर में बड़ा person होता है कौन बोलते हैं हम लोग? For example, father. Father is preparing or managing our whole department means whole work, whole home. हम लोगों की needs अलग-अलग हैं. हम लोग क्या बोलते हैं इसमें? कि हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए हमें चाहिए कार हमें चाहिए स्कूटर तो हम लोग लिमिटेड उसके साथ में हमारे फादर क्या कर रहे हैं होम मैनेजमेंट मतलब कि घर को पूरी तरीके से एक मैनेज फॉर्म में कर रहे हैं हु इज़ द फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ़ द इकोनॉमिक्स हु राइट्स हिज बुक नेम वेल्थ ऑफ नेशन इन सेवनटीन सेवनटी सिक्स नाउ कम ऑन द मीनिंग ऑफ द इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स इज अ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द अनलिमिटेड वॉन्ट्स एंड द लिमिटेड रिसोर्सेज अनलिमिटेड्स इज ऑल्सो नोन एज एंड लिमिटेड रिसोर्स इज ऑल्सो नोन एज स्केयर्स अनलिमिटेड्स दैट इज नोन एज हम बोलते हैं जिन्हें हमारी इच्छाएं जैसे मैंने बोला अभी कि हम बोलते हैं कि हमें कार चाहिए कार के बाद में यू फर्दर रिक्वायर्ड द अनादर थिंग हम बोलते हैं हमें स्कूटर चाहिए तो आप बोलेंगे फिर हमें कार चाहिए फिर बोलेंगे हमें ये चाहिए द वन यू सेटिस्फाई योर वांस नीड देन सडनली योर अनादर नीड विड बी जनरेटेड लिमिटेड रिसोर्सेज मीन्स योर इनकम फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी सैलरी है आठ हजार रुपये तो हम लोग क्या बोलते हैं कि आठ हज़ार रुपये से वी हैव टू सेटिसफाइड द नीड्स ऑफ द फोर मेम्बर्स विच इज लिविंग इन आर होम देन टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स बेसिकली इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स इज मीन्स छोटा इस्माल जिसे हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंक्लूड्स इंडिविजअल इनकम individual salary individual savings individual expenditure investment these are all examples of microeconomics then macroeconomics which is related to the large one means it includes aggregate aggregate for example aggregate income aggregate salary of a country or a nation aggregate expenditure of a nation or a country then law of demand which is the main topic we have to cover this

दस कंज्यूम या दस पे पांच कंज्यूम कर रहे थे वहां पर अब मैं बीस के ऊपर एक कंज्यूम करूंगी दिस इज द अपोजिट और द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड दिस इज नोन एज लॉ ऑफ डिमांड टाइप ऑफ डिमांड टाइप ऑफ डिमांड इज बेसिकली डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स प्राइस डिमांड इनकम डिमांड एंड क्रॉस डिमांड प्राइस डिमांड इज बेसिकली इंडिकेट्स बाय द प्राइज इफेक्ट प्राइज इफेक्ट एज पर द लॉ the demand law for example price is increases due to some reasons suddenly i consume the lower quantity of the demand than comparative to the better one then income demand income demand this type of demand indicates the income effects the impact of changes in the income of the consumer on the demand for a particular product for example currently my salary is 8000 rupees for example and due to the other reasons i got a promotion in my organization i got 10000 rupees now then i consume the more quantity more quantity comparative to the present one and due to some reasons if my salary get decrease for example 8000 to 6000 then i consume 10 comparative to 6 then क्रॉस डिमांड मीन्स यहाँ पर हम लोगों ने इनकम डिमांड के अंदर क्या बोला कि इनकम अगर बढ़ती है तो हमारी जो डिमांड होगी वो क्या होगी बढ़ेगी और हमारी इनकम घटेगी तो हम जो क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा देन क्रॉस डिमांड दिस टाइप ऑफ डिमांड इंडिकेट्स द क्रॉस इफेक्ट इंडिकेट्स बाय द चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स फॉर एग्जाम्पल क्रॉस डिमांड बेसिकली जैसा कि हम लोगों ने बोला कि क्रॉस डिमांड जो क्रॉस इफेक्ट करती है दिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स सब्सिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स सब्सिट्यूट गुड्स एक के एब्सेंस में दूसरा यूज कर सकते हैं कॉफ़ी के बदले टी को या टी के बदले में कॉफ़ी को देन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इट इंक्लूड्स कार एंड पेट्रोल मतलब एक के एब्सेंस में आप दूसरे चीज को इंक्लूड नहीं कर सकते दूसरा प्रोडक्ट जो है यू कैन नॉट यूज कार जब तक पेट्रोल नहीं होगा तब तक कार नहीं होगा और कार है और पेट्रोल नहीं है तो उस कार का कोई यूज़ नहीं है देन चेंज इन क्वान्टिटी डिमांड वर्सेज चेंज इन डिमांड दीज आर द टू डिफरेंट फिनोमिनाज फॉर द डिमांड चेंज इन क्वान्टिटी डिमांड चेंज इन क्वान्टिटी डिमांड मीन्स वेन योर प्राइज इज़ फ्लैक्चुएट योर क्वान्टिटी इज ऑल्सो फ्लैक्चुएट इट इंक्लूड्स टू थिंग्स दीज आर द टू टाइप्स विच वन कॉन्ट्रेक्शन एंड एक्सटेंशन कॉन्ट्रेक्शन मीन्स देंड योर प्राइस इज थ्री थाउजेंड योर करंट क्वान्टिटी यू आर कंज्यूमिंग देन सडनली योर प्राइस इज इंक्रीजिंग फोर थाउजेंड योर इज क्वानिटीटी यू आर कंज्यूमिंग फॉर द करंट प्रोडक्ट इट इंक्लूड्स दैट एट द लास्ट वी कैन से दैट थ्री थाउजेंड यू आर कंज्यूमिंग करंटली फाइव तीन हजार पे पांच आप चार हजार प्राइस बढ़ गया आपने क्वांटिटी कितना करा चार कॉन्ट्रेक्शन एक्सटेंशन जस्ट इसका अपोजिट हम बोलते हैं कि अभी आपकी करंट में आपकी कितनी हो रही तीन हजार रुपए आपका प्राइस है तो आप कितना क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हो पांच अब आपका प्राइस घट के दो हजार रह गया तो अब आप कितना कंज्यूम करेंगे सिक्स दिस इज शोन बाय द फिगर कॉन्ट्रेक्शन एज वेल एज द एक्सटेंशन देन चेंजेस इन डिमांड चेंज इन डिमांड मीन्स प्राइस क्वांटिटी मीन्स योर प्राइस इज सेम देन योर क्वॉंटिटी इज फॉर एग्जाम्पल प्राइस हमारी कांस्टेंट थर्टी हम लोग बांध के चलते हैं शुगर का प्राइस थर्टी रुपीज पर के जी है कारंटली आई एम कंज्यूमिंग ट्वेंटी देन ड्यू टू सम समीजन्स फॉर द सेम प्राइस आई कंज्यूम द इंक्रीजिंग क्वांटिटी दिस इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज ट्वेंटी से थर्टी जब आया दैट इज इंक्रीजिंग एंड थर्टी से ट्वेंटी आया दैट इज डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वी कैन लर्न और वी कैन अंडरस्टैंड बाय द शिफ्टिंग ऑफ द पॉइंट्स 20 से 30 इंक्रीज एंड 30 से 20 इज डिक्रीज देन एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू फाइव पार्ट इक्वल्स टू जीरोज ग्रेटर देन वन ई इक्वल्स टू वन दिस इज ऑल्सो शोन बाय द डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स फोर्स ईक्वल्स टू जीरो इक्वल्स टू जीरो मीन्स आपकी डिमांड जो है वो कॉन्स्टेंट है And your price is fluctuate. Fluctuate means your price differs, but your quantity is same. You are consuming the same quantity with the different different price. This is known as equals to zero. Equals to infinite means your price is constant, whereas your demand is fluctuate. For example, if your price is ten, you are currently consuming ten. After that, you are consuming twenty. Means your price is constant. Then your क्वान्टिटी डिमांड इज फ्लैक्चुएट इक्वल टू वन इक्वल टू वन मीन्स योर प्राइज इज इफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेन परसेंट इट ऑल्सो इम्पैक्ट ऑन द क्वांटिटी मीन्स आपका प्राइज यदि टेन परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है तो आपका क्वान्टिटी भी उसी रेशो में प्रपोर्शनेट रेशो में टेन परसेंट या ट्वेंटी परसेंट ही इंक्रीज होगा टेन परसेंट प्राइज हुआ टेन परसेंट क्वान्टिटी होगी अगर फाइव परसेंट प्राइज हुआ देन फाइव परसेंट आपका क्वान्टिटी होगा then e is greater than one e is greater than one means your quantity demand of quantity is greater than your price comparative i think for example your price is 5 you are consuming currently 10 quantity of a particular product suddenly your price is 10 then your consumption level also increase 10 ke up aapka consumption level now you consume 20 units of a particular product e is डिमांड फॉर एग्जाम्पल योअर प्राइज इज कारंटली टेन रुपीज ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट नाउ यू आर कंज्यूमिंग हाउ मच फाइव सडनली योअर प्राइज इज इंक्रीजिंग ट्वेंटी नाउ यू आर कंज्यूमिंग एट और टेन मीन्स आपका जो प्राइज बढ़ रहा है उसके प्रपोर्शन ट्रीजो में आपका क्वान्टिटी कम इंक्रीज होगा